इस बार ना कोई होगा नमस्कार और ना ही करूंगा आपका स्वागत, क्योंकि बातों से पेट नहीं भरता है साहब, नौकरी चाहिए। हाँ, हम छात्र हैं और हमें हमारा हक चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि इस समय सारे विद्यार्थी, सारे अध्यापक, सारा प्लेटफॉर्म एकजुट हो गया है और इससे अब हम इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। सभी लोग यहाँ पे एक साथ खड़े हैं, सबको एक साथ आना पड़ेगा। अगर केंद्र स्तर से ये बात उठी है तो हमें राज्य स्तर पर भी आना पड़ेगा। सभी लोग हर जगह ध्यान दे रहे हैं। मैं स्पेशली आपके लिए, यूपी एग्जाम के लिए, मैं यहाँ पे आपके लिए आवाज उठाने आया हूँ और आपको मेरे साथ आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये बात केवल राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय नहीं है, ये पूरे देश की बात है। ये हर उस स्टूडेंट से जुड़ी बात है, हर उस छात्र से बात है जो नौकरी के लिए परेशान है, जिसका परिवार उस पर डिपेंडेंट है, जो अपने घर का चिराग है, हर माँ बाप जिसे ये देखना चाहता है कि हर बच्चा उसकी नौकरी लग जाए और आप हो कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। ये बात वो एक दो दिन पहले शुरुआत हुई है, लेकिन इसका मैं बहुत पहले भी आपसे बोल चुका हूं कि एक ऐसी मुहिम चाहिए, एक ऐसा कंपेन चाहिए जो नेशनल लेवल पे हो, जो देश लेवल पे हो। वो चीजें अगर उठ गई हैं तो अब हमें केंद्र लेवल से लेकर राज्य लेवल पे लाना होगा। और साथ ही साथ जहां पे SSC रेलवे स्टूडेंट्स के लिए यहां पे डिफरेंट एडुकेटर्स हैं, डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं, डिफरेंट जो बच्चे हैं अलग अलग से, वो सब साथ हैं, तो हमें अपने राज्य के लिए भी यहां पे, और ये बात केवल इस यूपी राज्य का नहीं है, मैं हर उस यूट्यूबर को बोलूंगा, हर उस एडुकेटर को बोलूंगा, हर उस छात्र को बोलूंगा जो देख रहा है, वो किसी भी राज्य से बिलोंग कर रहा हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, ये कोई भी राज्य से बिलोंग कर रहा हो, सबके लिए है कि ये बात अब केवल केंद्र की नहीं, ये बात केवल SSC और रेलवे एग्जाम के लिए नहीं, ये बात उन सभी तमाम एग्जाम की है जहां पे बच्चा एक आस लगाया होता है कि आज नहीं तो कल नौकरी मिलेगी और नौकरी मिलने के बाद उसके घर में रोशनी आएगी, चिराग बनेगा वो घर का, वो पैसा कमाएगा, अपने परिवार को पालेगा पोसेगा, वो सारी चीजें जो एक उम्मीद लगाए बैठा है और आप केवल उस उम्मीद पे केवल पानी फेरते जा रहे हो। क्या कर रहे हो मुझे नहीं समझ में आता। भाई आप ये बोलते हो, अगर बात होती है कि मैं देखूं पिछले 4 सालों में बात करूं UP SSSC की, क्योंकि अभी मैं यूपी राज्य की बात करूं तो उसमें UPPSC, UP SSSC, UPP, UPSI, UPK टीचिंग एग्जाम और ऐसे अन्य पता नहीं कितने ऐसे जो बोर्ड हैं जो केवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा, जो परीक्षाएं लेते हैं, जो विभिन्न पद के लिए, विभिन्न पोस्ट के लिए जहां से चयन किया जाता है, वहां पे अगर मैं पिछले केवल UP SSSC की बात करूं तो 4 से 5 सालों में 25 से ज्यादा ऐसे पोस्ट हैं, 25 से ज्यादा ऐसे पद हैं, 25 से ज्यादा ऐसे एग्जाम हैं जिनके ना तो रिजल्ट आए हैं। भाई आपने फॉर्म भरवा लिया, आपको पैसे की जरूरत थी तो आपने बच्चों से फॉर्म भरवा लिया, फिर आपने एग्जाम भी तो करवाना आपका दायित्व बनता है। एक बार एग्जाम करवा रहे हो, उसके बाद दोबारा फिर बोल रहे हो नहीं इसमें कुछ नौटंकी हो गई थी, हम दोबारा एग्जाम करवाएंगे, फिर वही कर रहे हो, वही काम बार बार कर रहे हो, या 2016 की वैकेंसी आप 4 साल में क्लियर नहीं कर पा रहे हो, अरे क्या व्यवस्था कर रहे हो भाई साहब, आप कैसे प्रतिनिधित्व हो यहाँ पे प्रदेश के। मैं बात करूं यहाँ पे, मैं आपके सामने इसलिए लेके आया हूँ, बातों से पेट नहीं भरता साहब, नौकरी चाहिए। आप क्या है, आप तो मन की बात करोगे, आप बच्चों को रिझलाओगे, यहाँ पे कुछ भी करोगे, जनता बोली वाली जनता को परेशान करोगे और हमारे आंखों पे पट्टी डालते चले आओगे। लेकिन अगर बातों से पेट भर जाता तो भाई बता दूं चीफ मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, कि हम लोग भी टीवी के सामने, मोबाइल के सामने बैठे आपकी बातें सुन रहे होते और हमारा भी पेट भर रहा होता, हमें जिंदगी में कुछ करना ना होता, तो देश ऐसे नहीं चलता। ये बात आप भी समझ रहे हो, केवल बातों से हमारा पेट नहीं भरेगा, नौकरी चाहिए, तो नौकरी आपको देनी पड़ेगी और हर हालत में देनी पड़ेगी। और इसीलिए अभी मैं इस पर पूरी बात करूंगा स्पीकअप फॉर यूपी एग्जाम्स के लिए, लेकिन मैं कुछ जो सच्चाइयां हैं वो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे, जैसे जो सरकारी रिजल्ट एक वेबसाइट है, राज्य स्तरीय सारे बच्चों का एक जो विश्वास होता है कि हाँ भैया सरकारी लेवल पर जो न्यूज आती है वो सही होगी, जो भी होगा यहाँ पे परफेक्ट होगा, हर वो तैयारी करने वाला बच्चा, एक साल में मैं अगर अमूमन बात करूं तो करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उन करोड़ों बच्चों में कम से कम लाखों, 50 लाख 60 लाख बच्चे रोज इस वेबसाइट को खोलते हैं, राज्य स्तरीय जो उत्तर प्रदेश के बच्चे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, जानते हो आप सभी लोग जानते हो, इस वेबसाइट को दिन में 5 बार 10 बार खोलते हो कि भैया देखो कोई रिजल्ट नहीं आया है और ये क्या है, लेटेस्ट जॉब में देख ले तो आप देख लो, नैनीताल बैंक, SSC कांस्टेबल, NHB बैंक, बिहार पुलिस, BPSC, BPSC सिविल जज, RSM, SSB स्टेनोग्राफर, BPSC, UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑनलाइन, वो भी कितने पद, 33 पद इसके लिए भाई साहब, 33 पद, BPSC, BPSC, NTA, JPSC,
बीपीएससी, ईसीआईएल, यूपीएससी, बीपीएससी, मैं कह रहा हूं कि यार मैं, मुझे सारे राज्य दिख रहे हैं, मुझे यूपीएससी दिख रहा है, मुझे एमपीपीएससी दिख रहा है, मुझे बीपीएससी दिख रहा है, मुझे यूपी, यूपी का राज्य का कोई यहां पे क्यों नहीं दिख रहा है? आप इतना कैसे कैसे इतना आलसी हो सकते हो यार? आप डींगे मारते हो कि हमारे राज्य में कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है, आप डींगे मारते हो कि हमारे राज्य में जो डिसिप्लिन है वो सबसे अच्छा मेंटेन कर रखे हो। क्या डिसिप्लिन है यार कि आप पिछले 4-5 महीने में व्यू मोर कर दूं, ये पूरा पेज आ जाएगा, ये पूरा पेज आ जाएगा, आप कोई भी देख सकते हो इस पे, अगर यहां पे व्यू मोर पे किया जाए, सॉरी अलग हो रहा है, तो किसको भी देख लो आप, ये पूरा पिछले 3 महीने में देख लो, एक भी नई वैकेंसी यूपी एग्जाम के लिए नहीं निकली है। ये क्या है, आप कानून व्यवस्था की बात क्यों कर रहे हो? अरे भैया आपसे नहीं हो रहा है तो आप अपनी कुर्सी छोड़ दो, क्यों वहां पे ऐसे हथियार बैठे हो, क्यों हर चीज लाल तिरंगा नारंगी करने बजे हो? यहां पे एक तरफ तो आप बोलते हो भाई हम छात्र, हम जो युवा है, हमने युवा ने आप पे भरोसा करके आपको यहाँ पे गद्दी पे दिलाया था, अब आप क्या समझ रहे हो कि भाई आप जो करोगे, आप यहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम पे, आप यहाँ पे प्रजातंत्र के नाम पे, आप यहाँ पे केवल एक ऐसा बोल सकते हैं कि केवल अपनी वाली कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई साहब? ऐसे नहीं चलेगा, हमें नौकरी चाहिए तो चाहिए। अभी मैं बात करूं, रोज पेपर कटिंग में आता है कि आबकारी के पद निरस्त करने वाले हैं, ये उसका अधियाचन नहीं मिल रहा है, मंडी परिषद का आपका एग्जाम होता, मंडी परिषद के एग्जाम के लिए अभी आपकी उसकी सीटें कम कर रही है। यार एक बार तो आप बोलते हो कि हम अधियाचन ले रहे हैं, एक बार अधियाचन आता है फिर नहीं हो पा रहा है, फिर दोबारा उसे अधियाचन के लिए भेजते हो, दोबारा आता है फिर भी नहीं कर पाते हो, तिबारा आता है फिर, कौन सी ऐसी कमेटी है भाई साहब, किसे वहां पे बिठा रखे हो कि वो ये नहीं क्लियर कर पाता कि हमारे किस विभाग में कितनी वैकेंसी खाली है? आप बोलते हो कि वैकेंसी नहीं है, एक दो चीज मैं बोलूंगा, एक बार बोलते हो कि वैकेंसी नहीं है, एक बार बोलते हो कि यहां पे टैलेंटेड लोग नहीं है, मैं सारी चिट्ठा आपके सामने खोल के रख रहा हूं। ये उत्तर प्रदेश अगर आप देख पा रहे हो, उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहां पे विभागों की बात कर रहे हैं, टोटल अगर आप देख पा रहे हो ये 80 विभाग है, 80 विभाग में, इस 80 विभाग में लोग ही तो काम कर रहे हैं, कोई रोबोट नहीं पाल के रखे हो आप, कोई रोबोट वहां पे नहीं रखे हो कि रोबोट काम कर रहे हैं, तो 80 विभाग में आपको लोगों की जरूरत नहीं है। अरे भैया ये एडिशनल एनर्जी रिसोर्स, मैं इसकी बात करूं, एडिशनल एक डिपार्टमेंट की बात करूं, एनर्जी रिसोर्स में इंजीनियर की जरूरत नहीं है कि वहां पे साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है, जो इंजीनियर साइंटिस्ट काम करेंगे प्रोजेक्ट बनाएंगे उसे टाइपिस्ट की जरूरत नहीं है, कि रिव्यू ऑफिसर की जरूरत नहीं है, कि वहां पे चपरासी की जरूरत नहीं है, कोई भी ग्रुप सी ग्रुप डी कोई भी ग्रुप भी, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो रोबोट चला लेता है या एक आदमी से चल जाता है? भैया हमें भी इतना मालूम है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक आदमी से नहीं चलता है, उसके पीछे हजारों लोग लगते हैं तब जाके एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है, और आप बोल लो यहां पे पद नहीं है, उसके बाद बोलते हो कि आप टैलेंटेड नहीं है। अरे अगर टैलेंटेड नहीं है तो आप कौन से बहुत टैलेंटेड हो भाई? हम यहां पे 10th पास किए, हम यहां पे 12th पास किए, हम यहां पे ग्रेजुएशन किए, हम यहां पे बीटेक किए ग्रेजुएशन में, कोई हिस्ट्री से बीए कर रहा है, एमए कर रहा है, कोई ज्योग्राफी से बीए एमए कर रहा है, जिसे भूगोल भी पता है, जिसे इतिहास भी पता है, जिसे भारत की अर्थव्यवस्था भी पता है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, जिसे सारे टेक्निकल टर्म पता है, आप यार 9वीं 10वीं पास हो और आप बोलते हो कि हम सक्षम है और बच्चे सक्षम नहीं है? अरे सही बात में बताऊं, अभी जो हमारा संविधान ही गड़बड़ है, हमने आपने संविधान ही गड़बड़ है, अभी यहां पे भी जितने भी सीएम पद के लिए, पीएम पद के लिए, विधायक पद के लिए जितने नेता लोग हैं ना, सबके लिए कॉम्पिटिशन एग्जाम करवाना चाहिए, सबके लिए यूपीएससी लेवल का एग्जाम करवाना चाहिए, उससे भी टफ करवाना चाहिए, तब समझ में आता क्या होता है सक्षम, क्या होता है सक्षम। ये आप बस बोल दिए कि सक्षम नहीं है यहां पे, अरे आप 9वीं पास करके आप बोलते हो कि हम सक्षम है, है ना, और हम बच्चों को बोलते हो कि हम सक्षम नहीं है, जो पूरी जिंदगी पढ़ के, जो जिसे पूरा भूगोल इतिहास अर्थव्यवस्था सब कुछ बताए, उसे आप सक्षम नहीं बताते हो, कि ये काबिल नहीं बताते हो, और आप अपने आप को काबिल बताते हो? जब आपका इलेक्शन होता है भाई साहब, मैं यहां पे एक बात बहुत साफ साफ रखूंगा, जब आपका इलेक्शन होता है, हर 4 साल में डेट पे तो इलेक्शन हो जाता है, पहली बात इलेक्शन डेट पे हो जाएगा, वहां पे कम से कम नहीं तो 80 करोड़ 90 करोड़ लोग वहां पे, एक प्रदेश स्तर की बात करो, 80-90 करोड़ लोग वहां पे आपको वोट देते हैं, और उनका आपका 10 दिन में रिजल्ट आता है। यहां पे बच्चे 7-8 लाख केवल यहां पे एग्जाम देते हैं, 7-8 लाख का आपका रिजल्ट निकलने में 5 साल लग जाता है, या बेवकूफ बना रहे हो, चूतिया बने बैठे हम यहां पे, आप जो बोलो कि हम सुनते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो भैया कुर्सी त्याग दो, शर्म करो यार, कुछ तो शर्म कर लो कि आप जिन युवा के बल पे उठ के आए हो, जिन युवा, जो युवा आपके देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जो युवा कल को देश संभालेंगे, उन्हें आप बोलते हो कि टैलेंटेड नहीं है, वो सक्षम नहीं है, आप 9वीं 10वीं पास करके आप गुंडागर्दी करके आके यहां पे बैठे हो तो आप बोलते हो कि सक्षम है? अरे जब आप फॉर्म भरवाते हो बच्चों का, तो वहां पे बोलते हो कि किसी के ऊपर चार्जशीट नहीं होना चाहिए, कोई यहां पे कानून में नहीं फंसना चाहिए, किसी के ऊपर कोई FIR नहीं होना चाहिए, और आप कोई भी किसी भी नेता का इतिहास उठा लो, जो एक मर्डर ना किया हो, कोई भी एक दंगा ना करवाया हो, वो दंगा प्रसादी लोग यहां पे सबके राजा बन के, अरे आप राजा नहीं हो यार, आप राजा नहीं हो, हमने अपने मर्जी
वजह से आपको एक प्रतिनिधित्व चुना था कि अगर आप आओगे कुछ अच्छा करोगे, अगर आप वो प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हो, अगर आप वो लीडरशिप की क्वालिटी नहीं निभा पा रहे हो तो क्यों हो यार, शर्म करो, चुल्लू भर पानी लो और डूब मरो। नाम के सीएम नाम के पीएम मत बनो, मैं बहुत खड़े शब्द में बोल रहा हूं पर मुझे किसी का डर भी नहीं है। ये बात क्यों? क्योंकि आज यहाँ पे युवा परेशान है, क्योंकि आज यहाँ पे बच्चे परेशान है, और इसलिए हम परेशान है क्योंकि हम बच्चों से दिल से जुड़े हुए हैं। उनका भविष्य खराब होता है तो हमें लगता है यार मेरा क्या है, हम लोग करें तो कुछ भी कर ले जाए। लेकिन जो बच्चे इस आस में लगाए हैं, आप बोलते हो कि आप प्राइवेटाइजेशन की बात आती है ना, प्राइवेटाइजेशन की बात आती है तो वहां पे सारी चीजें देश बेचने पे लगे हुए, रेलवे को प्राइवेटाइज कर लो और बहाना क्या लेते हो कि हम अगर प्राइवेटाइज कर लेंगे चीजों को तो वहां पे डिसिप्लिन आ जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन में प्राइवेट कंपनियां चीजें अच्छा करेंगी, वहां पे कम पैसे में सफाई हो जाएगी, कम पैसे में वो चीजें हो जाएंगी। मैं रेलवे की बात करूं, रेलवे टाइम पे नहीं चलती कोई भी रेल, जो प्राइवेट के हाथों में जाएगा तो वहां पे सारी चीजें टाइम पे हो जाएंगी। अरे भाई अगर आप समझते हो इस बात को कि आपके डिपार्टमेंट में बैठे लोग अयोग्य हैं, आलसी हैं, तो उन्हें निकालो ना यार, 60,000-70,000 क्यों भर, क्यों उन्हें सैलरी दे रहे हो, 60-70,000 सैलरी देके इन युवा का पैर क्यों काट रहे हो, निकालो सक्षम लोगों को लेके आओ। आप बोलते हो सक्षम नहीं है, वहां पे जो केवल पेट फुला रहे हैं, जो केवल आलसी कर रहे हैं, या तो आप उस कानून व्यवस्था को अच्छी करो, या तो आप कानून वहां पे आप डिसिप्लिन मेंटेन करो। वैसे तो बोलते हो मैं बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करूंगा, इस प्रदेश में कुछ नहीं होगा, कोई करेगा तो मैं इनका घर जला दूंगा, कोई करेगा मैं इनका मर्डर करवा दूंगा, कोई करेगा मैं इनका एनकाउंटर करवा दूंगा, किसी को घर से उठवा लूंगा, सारी प्रॉपर्टी कड़क करवा दूंगा। ये बोलते बहुत डिसिप्लिन, और यहां पे डिसिप्लिन नहीं है। क्यों नहीं चलवा पा रहे हो भाई साहब, क्यों नहीं चलवा पा रहे हो आप रेल टाइम पे, क्यों नहीं चलवा पा रहे हो इतने? आप वही बात कर रहे हैं ना कि अधियाचन लेते हो, कौन सी ऐसी कमेटी है जो अधियाचन नहीं एक बार में क्लियर कर पा रही है, कौन सी ऐसी कमेटी जो एक बार में रिजल्ट नहीं दे पा रही है, कौन सी ऐसी कमेटी है कि आपका एक बार में एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पा रही है? मैं ये पूछता हूं आपसे, और बहुत खरे शब्दों में पूछ रहा हूं, मुझे किसी का डर नहीं है। क्यों नहीं करा पा रही? आप डिसिप्लिन के यहां पे डिसिप्लिन के बल पे बहुत आ रहे हो ना, बहुत यहां पे डींगे मारते हो, कहां गई है सारी डिसिप्लिन? मैं पूछता हूं कि कहां गई? और ये सारे बच्चे पूछ रहे हैं, इन बच्चों के माध्यम से मैं पूछ रहा हूं कि डिसिप्लिन कहां गई वो, कि सारी चीजें टाइम पे नहीं हो रहा है। इलेक्शन होगा 4 साल में 5 साल में, एग्जैक्टली हर 5वें साल में, पूरा नहीं होगा कि इलेक्शन हो जाएगा, 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है? मैं नहीं सोच पा रहा हूं। 80 विभाग है, इसमें टाइपिस्ट की जरूरत नहीं है, कि इसमें लेखा की जरूरत नहीं है, कि इसमें यहां पे रिव्यू ऑफिसर की जरूरत नहीं है, कि यहां पे इंजीनियर की जरूरत नहीं है, यहां पे साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में बोलते हो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, और रिफॉर्म कुछ कर नहीं पा रहे हो। एग्रीकल्चर में टीए की बात करें, 3 साल पहले एग्जाम हुआ है, एंड 3 साल पहले आई थी वैकेंसी, अभी तक एग्रीकल्चर टीए का कुछ अता पता नहीं है, और बोलते हो हमारे विभाग में जगह निकाली है, हमारे यहाँ पे वो, हम सारी चीजें बेच डालेंगे, हम सारी चीजें प्राइवेटाइज करेंगे। अरे यार डीए मानना बंद करो, मुझे भी समझ में आता है, अभी तक जिनके आंखों पर पट्टी बनी थी, अब ये युवा है आंखों पर पट्टी नहीं बांध पाएंगे। एक बार आप पे उम्मीद किए थे, आपसे स्नेह था, बात समझ में आती है, बुरा करोगे तो उसका भी बुरा भुगतोगे, और ये आप हमें दिखा देना। और आप लोग सबसे बड़ी बात, मैं छात्रों से अपील करूंगा, आपके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है ना, आप ही हो इनको सर पे चढ़ाने वाले सभी को, वो चाहे मीडिया हो, वो चाहे कोई नेता हो, वो चाहे कोई हो, भैया भैया नेताजी बाबाजी करके आप सर पे चढ़ाए हो, आप हाथ जोड़े खड़े रहते हो, यार ये बोलते ना नौकर है, ये वाकई में ये सब तुम्हारे नौकर है। अरे आप हो यार राजा, ये राजा नहीं है, आप इनकी प्रजा नहीं हो, आपने प्रतिनिधित्व चुना है जिसे अच्छा लीडरशिप आना चाहिए, जिसे सबके हित में सोचना चाहिए, अगर कोई नहीं सोच पा रहा है तो उसे लीडर बनने का कोई हक नहीं है। मैं सीधा बहुत साफ बात बोल रहा हूं, ये 80 डिपार्टमेंट में आप वैकेंसी नहीं निकाल पा रहे हो, बोलते हो यहां पे आलसी हम प्राइवेटाइज, अरे आपका फंडा होना चाहिए, अगर ये आलसी तो इन्हें निकालो ना यार, आप पूरा डिपार्टमेंट क्यों बेचे डाल रहे हो? आप डिपार्टमेंट, आप सक्षम की बात करो, आप टैलेंटेड की बात कर लो, अरे आप उस रेलवे को इस काबिल बनाओ, नए टैलेंटेड बच्चों को लेके आओ ताकि वो वहां पे करें, बच्चे इतना कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छा करेंगे उन 55 साल के बुड्ढों से, वो ज्यादा जिन्हें आपको लगता है, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो भी ऐसे आलसी जिन लगता है घूस खा रहे, जिन लगता है कि आप ये कर रहे हैं, तो क्यों रखे हो ना यार, वहां पे चेंज करो डिपार्टमेंट बेचने से। और अगर नहीं कर पा रहे, अगर आपसे नहीं होता, आपके अंदर नहीं काबिल, तो छोड़ो ना कुर्सी यार, क्यों बैठे हो यहाँ पे, कबूल करो अपनी हार, कबूल करो अपनी गलती, कबूल करो यहाँ पे। तब बच्चे अगर आपको डिसलाइक करेंगे तो आप कमेंट सेक्शन ऑफ कर दोगे, आप पे कोई कॉल करेगा, UPSSC की वेबसाइट है, अक्सर बच्चे रोज मुझे 4-5 मैसेज करते हैं, सर को आप कॉल ही नहीं उठती है, कॉल नहीं उठती है भाई, क्यों वहां पे टेलीफोन लगा रहे, आग लगा दो यार उस टेलीफोन को, क्यों वहां पे रखे हो, मेल का कोई रिप्लाई नहीं। मैं खुद 20 से 25 आरटीआई दिया हूं कि लोअर मेंस का कब एग्जाम होगा, ये एग्जाम कब होगा, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा यार, अरे आग लगा दो यार, सबको निकाल दो नौकरी से, चला लो फिर ना देश, चला लो ना प्रदेश, ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई पागल यहां पे बैठा है, सबको एकदम बुल्लू बनाते चले जा रहे हो, तो नहीं होता ऐसा। और ये गलती आपकी है, गलती आपने सर पे बिठाया, आप इन्हें की औकात दिखा दो,
भाई ये टेलीफोन बंद कर लेंगे ठीक है, ये मेल का रिप्लाई नहीं देंगे ठीक है, लेकिन जनता से बात रखने के लिए कहीं तो मुखातिब होंगे, यूट्यूब के माध्यम से आएंगे, किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आएंगे, कहीं अपने वेबसाइट पे पोस्ट डालेंगे, ट्विटर हैंडल पे अपना कोई पोस्ट करेंगे, अपने फेसबुक के पेज पे पोस्ट करेंगे। अरे करो ना यार, जब वो अपने बात रखने आएंगे तो उनके मुंह पे तमाचा मारो ना, उनके मुंह पे कालिक लगाओ ना, क्यों नहीं लगा रहे हो? आपके हाथ में है। आप आज से जितने भी, वो चाहे कोई विधायक हो, वो चाहे कोई नेता हो, वो चाहे सीएम जी हो, वो चाहे पीएम जी हो, सभी को बात का जवाब, इग्नोरेंस का जवाब इग्नोरेंस से देना है। जैसे वो कर रहे वैसे आपको भी करना है। अगर वो आते हैं सारे लोग डिसलाइक मारो, सारे लोग कमेंट मारो, जब इन्हें खुद पता चल जाएगा ना यार कोई मेरी सुनने नहीं आ रहा है, यहां पे इनके चक्कर में किसी और को भी सुनने देंगे, सबकी औकात समझ में आ जाएगी। और दुनिया में भाई बड़े बड़े घमंडी लोग चले गए हैं, बड़े बड़े घमंडियों को झुकना पड़ा है, तो ये भी इंसान है, ये भगवान के रूप नहीं है कोई। बस सिंपल सी बात है, जो जैसा रहेगा उसे वैसा मिलेगा, इतनी सी बात है। इससे ज्यादा मैं आपको भी नहीं परेशान करूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा आप जगो, पूरा देश जगह है, पूरे एडुकेटर जगह है, हम जगह है, मैं आपके साथ हूं, आप जो बोलोगे मैं करूंगा। आप बोलोगे 2 बजे सर चलो यहां पे हमें धरना करने, मैं चलूंगा 2 बजे, 10 लाठी मैं खा लूंगा यार, आए मुझे मारे 10 लाठी, मैं देख लूंगा क्या होता है, मैं सारी चीजें देख लूंगा। लेकिन आपको ये आपका है, आपको ये इंतजार नहीं करना है कि मेरे ऊपर बीतेगी तब मैं इस मुहिम में शामिल हूंगा। चाहे जहां भी हो 5 मिनट 10 मिनट समय निकालो, जहां पे भी चल रही है एक्टिव रहो, सबका साथ दो, ये जन आंदोलन बनाओ। अगर ये आंदोलन है तो आंदोलन ही सही, अगर ये ऐसे मानेंगे तो ऐसे ही सही। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो इन्हें दिखा दो कि कैसे डिजिटल इंडिया में ये भी प्रयोग किया जा सकता है, ये भी टैलेंट है डिजिटल इंडिया का, ये भी टैलेंट है हम युवा का, कि आपको सर पे बिठा सकते हैं तो आपको नीचे भी बिठा सकते हैं, ये बात हमें दिखा देनी है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जैसे एक जो ट्रेंड चल रहा है, जहां पे आप स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स कर रहे हो, स्पीकअप फॉर यूपी एग्जाम्स का भी एक ट्विटर पे इसे भी ट्रेंड करवाओ। जो भी कमेंट करता है नेता विधायक डीएम लखनऊ, बहुत सारे पेज हैं, आप ट्विटर हैंडल पे जाओगे, डीएम लखनऊ का पेज है, यूपी गवर्नमेंट का पेज है, अवस्थी जी का खुद का पेज है अकेले, तो मतलब ट्विटर के उनकी हैंडल की बात करो, जो भी कमेंट करें, जो भी करें रोज अपनी, आज कोरोना के केस में मैंने ये किया, डीएम मारने आते ना वहां पे, आप ये डीएम मारो, ये जाके उन्हें डीएम मारो कि बेटा ये असलियत है, यहां से नहीं जाना है। तो इस बार आप दिखा दो इसे, और ध्यान रखो सब कुछ इस मॉल में ही है, और एक ही कीवर्ड, आप लोग की गलती क्या होती है जब आप करते हो तो एक ही कीवर्ड डिफरेंट यूज कर लेते हो तो गड़बड़ हो जाता है, आपको एक ही यूज करना है, जो भी आप बनाए उसे एक करो। मैं अपील कर रहा हूं कि आप लोग करो, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करो। और मैं उन सारे एडुकेटर, मैं खासकर यूपी के राज्य स्तरीय एडुकेटर की बात करूंगा, उनकी बात करूंगा कि वो सब लोग एकजुट हो, सबसे अपील करूंगा हाथ जोड़ के, सारे बच्चों से भी अपील करूंगा कि अब ये मौका शायद दोबारा नहीं आएगा, इस मौके को भुनाओ मत, इस मौके को एकदम ऑप्टिमाइज करो, एकदम यूज करो, एक भी इसमें हाथ से जाना नहीं चाहिए, एक भी सेकंड आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए, हमें ये करना है। प्लस जितने नेता हैं, इवन न्यूज, आप न्यूज चैनल पर डिपेंड होते हो कि कोई न्यूज चैनल वाला सुनेगा तो हमारा करेगा, अरे यार ये सब केवल भाड़े के टट्टू हैं, सही बताऊं केवल पैसे के बल पे उनका मुंह खुलता है, बाकी कुछ नहीं, उनके चक्कर में नहीं होगा। आप में अपनी औकात है, आप में अपनी यूनिटी है, आप में एकता है, आपको ये बात करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं ये बात करता हूं, लेकिन ये बात यहां पर रुकनी नहीं चाहिए, आपको कसम मैं आज दिला रहा हूं, आपको कसम है आपके जिंदगी की, आपके मां बाप की, आपके नौकरी की, आपके मन मर्यादा की, आपके प्रतिष्ठा की कसम है कि आप ये चीजें रुकने नहीं दोगे, अगर बात उठी है तो इसमें आग लगा दोगे, चिंगारी मैं उठा दे रहा हूं, आप इसे इतना फैलाओगे, आप इसे हर जगह बताओगे कि यह बात केवल केंद्र स्तर की नहीं है, यह बात हर उस राज्य स्तर की है, जो राज्य पीड़ित है वो चाहे यूपी राज्य हो, चाहे बिहार हो, चाहे तब भी यार बिहार एमपी वाले अच्छा कर रहे हैं, आप बोल दो हमारे पास है नहीं, आप यहां पे कोरोना का पहले बहाना लेते थे, राम मंदिर बनवाना हुआ वहां पे, उसका उद्घाटन करना हुआ तो वहां पे किसी को कोरोना नहीं हो गया, दारू की ठेका खोल दिया वहां पे किसी को कोरोना नहीं होगा, यहां पे कोरोना का बहाना लेते हो, यार बहाने बहाना बंद करो, हमें इतना समझ में आता है, हम युवा हैं, हम छात्र हैं, हम आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, दैट्स इट, इतनी सी बात है। इसी के साथ मैं यहां पे करता हूं, लेकिन मैं यहां पे रुक रहा हूं इसका मतलब आप नहीं रुकोगे, आप यहां से शुरू होगे, आपको जो भी समस्या है कोई भी है, आप दिए हुए नंबरों पे आप मुझे कॉल करो, पर्सनली कॉल करो, मेरा पर्सनल नंबर है, मैं आपके लिए रात के 2 बजे खड़ा हूंगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, कसम है आपको इस बात की। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।